So the next question is from Trish Dhawan, and the question is, how much was your first income? So मेरा वो पहला income था 100 rupees. Hi guys, thank you so much for watching my video. I am Neetu, and in today's video, we are going to do a Q&A. So, आज का वीडियो ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चिल है क्योंकि ना मैंने कोई सेटअप किया है ना रिंग लाइट लगाई है, बस नेचुरल लाइट के सामने बैठी हूँ और बिल्कुल रेडी नहीं हुई हूँ. जस्ट kidding. I like to dress up and feel nice. और वैसे भी आजकल बहाने चाहिए होते हैं रेडी होने के लिए, तो मैं भी वही कर रही हूँ. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू ए Q&A. एंड मैंने 2-3 दिन पहले एक फोटो डाला था इंस्टाग्राम पे और मैंने आप सबसे पूछा था मुझसे क्वेश्चंस पूछने. सो ये Q&A सेशन मैं इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोग सबसे इंटरेक्ट करना है और मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे बारे में जाने और मैंने क्या पढ़ाई की है और मैं अभी क्या करती हूँ, मुझे सब बताना है आपको. तो एंड ऑल्सो आई हैव रिसीव्ड सो मेनी क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी मैं सारे क्वेश्चन नहीं ले पाई. तो मैंने जो कॉमन क्वेश्चन है वो लिए जिससे सारे टॉपिक कवर हो जाए. इसके लिए आई एम सो सॉरी. एंड जो भी अगर आपके पास वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए और मैं वो करूँगी. ये क्या था. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीचू स्लेस. हाय नीचू स्लेस. सो द क्वेश्चन इज विच सुपर पावर यू विश यू हैड. ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे गायब हो जाना, पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, बट आई फील मुझे चाहिए, आई रियली वॉन्ट टू फ्लाई. फ्लाइंग इज़ वन थिंग जिससे मैं बहुत फैसिनेट होती हूँ. मैं बर्ड्स को देखती हूँ, मैं फ्लाइट्स को देखती हूँ, मैं ऐसे फैसिनेट हो जाती हूँ ना कि वाह, काश मैं भी उड़ पाती, इधर जा पाती, उधर जा पाती. सो आई थिंक द आंसर इज फ्लाइंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कनिष्का. हाई कनिष्का. सो द क्वेश्चन इज हाउ यू कन्विंस्ड योर मॉम अबाउट योर इंस्टाग्राम जर्नी. दैट्स अ नाइस क्वेश्चन. आ जाओ बाइक सारी आ जाओ. मैं जब वीडियो लेती हूँ ना तभी इतनी सारी गंदी वाली बाइक्स आती है ना, गंदी मतलब जिसमें बहुत आवाज़ आती है. सो इन माई केस ब्लॉगिंग वॉज नेवर प्लान. आई मीन मुझे पता था मुझे फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्टाइल में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इसको ऑप्ट करूँगी एज अ करियर ऑप्शन. तो मैंने कभी अपनी मम्मी से बात नहीं की इस बारे में. मैं पढ़ाई भी करती थी और ब्लॉगिंग भी करती थी, मतलब पोस्ट करती रहती थी रोज़ इंस्टाग्राम पे अबाउट फैशन, स्टाइलिंग, OOTDs. तो मैंने कभी मम्मी से बात नहीं की क्योंकि मुझे पता है मेरी मम क्या बोलेगी कि पहले पढ़ाई ख़त्म करो फिर जो करने करो. तो मैंने कभी इसे आके पूछा नहीं और मैं चुपचाप अपना ब्लॉगिंग भी करती गई, पढ़ाई भी करती गई और मुझसे बैलेंस हो पाया क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी. मैं सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पढ़ती थी, सिर्फ एग्जाम्स के टाइम. और मैं रटने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, मैं बहुत अच्छे से मगअप कर सकती हूँ. इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पढ़ती थी. तो हो गया, फिर बाद में धीरे धीरे बहुत अच्छा होता गया ब्लॉगिंग, फिर धीरे धीरे ब्रांड्स अप्रोच करने लग गए, फिर बाद में मम्मी को समझ में आ गया कि ये कुछ तो कर रही है. फिर आधे मैंने मम्मी को बताया ये सब है, तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही थी. तो या शी वॉज हैप्पी. तो सब अच्छे से शुरू हो गया. एंड या और मेरी मॉम ने कभी भी आज तक कभी रोक टोक नहीं किया है, ना मेरे पापा ने किया है. बस ये कहते थे कि पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो, साथ में करो जो करना है या फिर पढ़ाई की बात करना, लेकिन छोड़ो मत. पहले तो मैं बहुत चिढ़ती थी कि मम्मी आप भी ना क्या मार्क जकरबर्ग को देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसने डिग्री नहीं किया और वो आज क्या कर रहा है. तो पहले मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, सही बात है डिग्री करना, क्योंकि एक वैलिडेशन मिलता है और बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो कंप्लीट योर स्टडीज. और अगर आपको लगता है कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, यूट्यूब स्टार्ट करना है, कर लो, पढ़ाई के साथ कर लो. बाद में करना तो बाद में कर लो, लेकिन पढ़ाई को ऑप्शन मत रखो क्योंकि आप आगे जाके खुद को थैंक यू बोलोगे और मुझे भी थैंक यू बोलोगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संगीता डिस्ले. हाई संगीता. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन और मीनिंग बिहाइंड योर पेट नेम नीचू. ओके. अच्छा, जब मैं छोटी थी, छोटी मतलब 9th 10th स्टैंडर्ड में होंगी, तभी मुझे थोड़ी सी मूंछ आती थी, बेसिक मूंछ आती थी, एकदम मूंछ वाली नहीं आती थी. तो मेरे पापा मुझे चढ़ाते थे मुच्ची मुच्ची मुच्ची, तो मुच्ची बुलाने लग गए घर वाले, मम्मी पापा सब मुच्ची बुलाने लग गए. तो मुझे अपना नाम कुछ यूनिक करना था, तो मैंने मुच्ची से नीचू कर दिया क्योंकि आई फील नीचू ज़्यादा क्यूट है. तो इसके लिए हाय आई नीचू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हैप्पीनेस. हाय हैप्पीनेस. सो द क्वेश्चन इज इफ योर हाउस इज ऑन फायर व्हाट 5 थिंग्स यू विल सेव. अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं भी पूछूंगी अपने दोस्तों से. तो 5 आंसर देने ना. फैमिली को साइड रख के पहले तो जो भी कैश है, जो भी गोल्ड है वो सब, फिर
second documents, third एक cell phone और गाड़ी की चाबी और obviously गाड़ी और लैपटॉप जरूरी नहीं है, जो मम्मी पापा को लेना होगा वो ले लेंगे. So the next question is from Vibhuk Agarwal. I think Vibhuk Agarwal है. Hi Vibhuk. So the question is, the place you want to visit once in your life but haven't visited yet. एक तो वेनिस और एक और वो कौन सा है जो बहुत अच्छी लाइट्स रहती है. एक सेकेंड. हाँ ये वाला. So the next question is from SmileyHeart002. So the question is your viewpoints about how to live positive life as you look so positive in every videos and pictures. So honestly, मैं जब भी sad या upset होती हूँ मैं कुछ story नहीं डालती. I don't post any picture or story because I feel मैं अच्छे से convey नहीं कर पाऊँगी. और secondly, I feel मुझे आप सबको positive vibe देना है तो मैं ये सब avoid करती हूँ. मैं चाहती हूँ आप जब भी मेरे feed पे आओ तो खुश रहो, positive रहो और मज़ा आया आप लोग को मेरा फीड देख के. तो मैं ज़्यादा कर बताती नहीं हूँ. और जब मैं अपसेट होती हूँ तो मैं अपने मॉम डैड से बात करती हूँ, अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, इन शॉर्ट अपने क्लोज लोग से बात करती हूँ. क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मन में कभी भी कुछ बुरा लगता है तो सीधे जाके बात कर लो किसी से. क्योंकि अपन मन में जब सोचते हैं तो अपन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग करना तो हमारी हॉबी है. तो वो ओवर थिंकिंग ब्रेक करने के लिए मैं किसी से बात करती हूँ. क्योंकि फिर बाद में जब डिस्कस करते हैं सामने वाले के साथ तो अपन को मालूम पड़ता है अरे मैं तो फालतू में इतना सोच रहा था. दूसरे के पर्सपेक्टिव से सुनने को बहुत अच्छा लगता है. इसके लिए मैं हमेशा हमेशा शेयर करती हूँ जो भी मेरे थॉट्स रहते हैं और जो भी मेरा मन में बातें चलती रहती है. एक ये करती हूँ और दूसरा मैं अच्छे वीडियोस देखती हूँ जिससे मैं थोड़ी काम डाउन हूँ और हैप्पी वाइब लेने की कोशिश करती हूँ. अच्छे वीडियोस देखती हूँ, पॉजिटिव वीडियोस देखती हूँ, प्रोडक्टिव वीडियोस देखती हूँ और या और थर्ड मुझे लगता है हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड है. हर वक्त हर जगह ये रहता है पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो. इतना क्यों सोचना, जस्ट शेक इट ऑफ, जो होगा वो होगा. हमेशा खुश रहो लेकिन हर वक्त यही मत सोचते रहो कि मैं अभी पॉजिटिव हूँ, कि अभी मैं नहीं हूँ, अभी मैं पॉजिटिव रह रही हूँ, कल तो मैं एकदम पॉजिटिव रहूँगी. ये सब मत सोचो. जो ब्रेन है उसको लूज छोड़ दो, जैसा वो है वो रहने दो. खुश है वो, दुखी है देखा जाएगा तब के तब. लेकिन इतना प्लानिंग मत करो कि मुझे कल पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है. अंदर ही अंदर खुश रहो लेकिन इतना प्लानिंग मत करो. इन शॉर्ट आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई पॉइंट बना रही हूँ यहाँ, लेकिन आई होप तुम लोग समझ रहे हो. हाँ तो मतलब मीनिंग यही है कि थोड़ा लूज रहो, ज़्यादा प्लानिंग ओवर प्लानिंग मत करो कि कल मैं बहुत प्रोडक्टिव रहूँगी, परसों मैं बहुत पॉजिटिव रहूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी तो ये करूँगी वो करूँगी, मत करो. तो मैं ये तीन चीज़ें करती हूँ और हाँ बस यही करती हूँ. मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, जैसे मैंने अभी कहा मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट हंसती रहती हूँ. आई फील मैंने एक रैप में आंसर दिया इसके पहले वाले क्वेश्चन का. मैं थोड़ी बहुत तो टैलेंटेड हूँ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिया साहू 16. हाय रिया. So the question is, mostly Sen or Ashish Chanchalani? I guess both are best. Who is your favorite actor, actress, introvert or extrovert? Mostly Sen और Ashish Chanchalani में से मेरे को दोनों पसंद है, लेकिन ज़्यादा mostly Sen पसंद है क्योंकि मुझे वो वाइब बहुत पसंद है. और जैसा मैंने कहा कि मैं जब सैड रहती हूँ तो मैं वीडियोज़ देखती हूँ, तो मैं mostly Sen के भी वीडियोज़ देखती हूँ. बहुत हैप्पी वाइब आते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब आते हैं. तो फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस शाहरुख खान और तापसी पन्नू, आलिया भट्ट. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, मैं एक्चुअली दोनों हूँ. कभी कभार ऐसा होता है ना, तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट या तुमसे थोड़े शार्प वाले लोग होते हैं तो उनके बाजू में जब मैं रहती हूँ तब मैं इंट्रोवर्ट रहती हूँ, या और जब मैं अपने ही लोगों के बीच रहती हूँ तब मैं एक्सट्रोवर्ट रहती हूँ. तो मुझे पता नहीं, मैं दोनों हूँ. मूड पर डिपेंड करता है, लोगों पर डिपेंड करता है. मुझे नहीं मालूम इस काम से. No, I don't know. So the next question is from Rianis. Hi Ria. So the question is, what kind of series do you like to watch in Netflix? मुझे rom-com पसंद है. अभी recently मैंने कुछ देखा नहीं है. और actually मैं आजकल ज़्यादा Netflix देख नहीं रही हूँ. मैं ज़्यादातर videos वगैरह में ही लगी रहती हूँ. और जब free time रहता है तब मैं YouTube पे ज़्यादा time spend करती हूँ. Netflix थोड़ा कम हो गया है. तो I think the answer is rom-com. So the next question is from Rohan Kumar and the question is, Sun, marry me.
नो आंसर. मैं इस वीडियो में ना वो गाना बजाऊंगी आंसर में, मुझसे शादी करोगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अर्चिता. हाय अर्चिता, द क्वेश्चन इज व्हेन डिड द आइडिया हिट योर माइंड दैट यू वांट टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल एंड हु इज योर इंस्पिरेशन. सो मुझे मेरा यूट्यूब चैनल बहुत टाइम से स्टार्ट करना था, आई थिंक एक साल पहले से स्टार्ट करना था, और मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करती थी हर वक्त कि मैं अब स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो कभी टाइम आता ही नहीं था. कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत डिले करते कोई चीज़ को, और जो चीज़ को तुम डिले करते हो वो तो डिले होती रहती है. तो मुझे बहुत टाइम से करना था पर मैं कर नहीं पा रही थी, बट फाइनली मैं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा डिग्री कॉलेज में अभी ख़त्म हुआ है, अभी पिछले साल ही ख़त्म हुआ है. तो अभी मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर पा रही हूँ, इंस्टाग्राम भी और यूट्यूब भी. एंड मैंने सोचा था एक्चुअली वीडियो लेने का, वहाँ जाके व्लॉग लेने का, लेकिन मैं वहाँ जैसे पहुंची वो जगह इतनी ब्यूटीफुल और इतनी सीरीन थी कि मैं कुछ नहीं ले पाई. मैं सिर्फ फोटोज लिए, और जब भी मैं कैमरा लेती थी वीडियो लेने के लिए मैं हमेशा ऐसी हो जाती ब्लैंक, यार क्या लूँ. इतनी सुंदर जगह थी, मेरा मन करता था बस देखती रहूँ, चल करती रहूँ, पड़ी रहूँ, तो मैंने ले पाई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रियल ड्रेस्ड DIY आई थिंक बिगनर स्टेप हु जस्ट स्टार्टेड ब्लॉगिंग ऑन इंस्टाग्राम. टिप्स तो यही दे सकती हूँ कि कंसिस्टेंट रहो और जितना हो सके खुद का कंटेंट डालो, बिकॉज क्योंकि आजकल सब सिमिलर कंटेंट डाल रहे हैं, तो जो आप हो वही डालो. बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ, क्योंकि कोई तुम्हें कॉपी नहीं कर सकता, जो तुम हो वो कॉपी नहीं कर सकता. तो जो तुम्हारा ओरिजिनल आइडिया है वो फॉलो करो एंड बी ऑथेंटिक, दैट्स इट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीचू द बेस्ट. हाय नीचू द बेस्ट, द क्वेश्चन इज दी व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 10th एंड 12th. पहली बात तो मुझे दी मत बुलाओ, मैं किस एंगल से दी लग रही हूँ, मुझे सौम्या बुलाओ, मीचू बुलाओ, द सैसिंग बुलाओ, लेकिन दी बिल्कुल मत बुलाओ. अभी क्वेश्चन में आती हूँ. क्वेश्चन ये है, हाँ 10th और 12th में कितना आया था. तो 10th तक मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी जैसे सब करते हैं, फिर 12th में आके मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही थी जैसे सब करते हैं. तो 10th में मुझे आया था 80% 80 या कुछ तो, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा आ सकता था, क्योंकि मेरे क्या बोलते हैं पेपर्स बहुत अच्छे रहते थे, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी. तो ये सब देख के मेरी मॉम ने मुझे साइंस दिला दिया कि इसमें दिमाग है, ये पढ़ सकती है. अच्छा मैंने साइंस ले लिया, फिर बाद में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ समझ में नहीं आया, और 12th में मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदा स्कोर किया. मुझे नहीं बताना, सॉरी. पास हो गई थी पर मुझे परसेंटेज नहीं बताना. बताऊँ क्या, बहुत कम आए थे, बहुत कम. जैसे तुम अपने परसेंटेज पे रो रहे हो ना, उससे भी कम, ऐसा सोच लो. मैं तभी बहुत ज़्यादा सैड हुई थी जब मेरा 12th का रिजल्ट आया था. मुझे लगा था मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय, मैं अपने फ्रेंड से कैसे नज़रें मिलाऊंगी, मैं अपने बिल्डिंग वालों से कैसे नज़रें मिलाऊंगी, और सबसे कैसे मैं बोलूंगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. आई मीन यू विल ऑलवेज हैव अ सेकेंड चांस. तो ज़्यादा सैड मत हो, अगर अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, एक दिन के लिए सैड होगी, लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, आगे क्या होने वाला है वो सोचो. और या हमेशा सेकेंड चांसेस आते हैं, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो किसी और चीज़ में अच्छे होते हैं. हर चीज़ में तो हर इंसान अच्छा नहीं होता, तो दुखी मत हो. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करो और अपना 100% दे दो. और 100% करके भी नहीं आया अच्छा रिजल्ट, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब अच्छे होगा. जो होना होता है वो अच्छे के लिए होता है. मैंने एकदम दीदी जैसा आंसर दिया अभी तो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम त्रिश धवन, एंड द क्वेश्चन इज हाउ मच वॉज योर फर्स्ट इनकम. ओके, हाय त्रिश. सो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग को सुनने में मज़ा आएगा. मैं जब 12th स्टैंडर्ड या फर्स्ट ईयर में थी तो मैं रोज़ इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ डालती थी, और मैं एडिक्टेड थी इंस्टाग्राम से. मुझे ऐसा लगता था मैं रोज़ नए नए कपड़ों में फ़ोटोज़ डालूंगी, रोज़ स्टाइलिंग वाले फ़ोटोज़ डालूंगी. तो मैं बेथनी मोडा से एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी. तो धीरे धीरे मैं रोज़ फ़ोटोज़ डालने लगी, और जब मेरे पास आउटफिट्स नहीं होते थे नए नए, तो मैं पुराने जो भी कपड़े होते थे उसको काटा पीटी करके कैसे भी करके पहन लेती थी. फिर धीरे धीरे लोगों को मेरी स्टाइलिंग बहुत पसंद आने लग गई, फिर दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी, एंड ग्रेजुअली ब्रांड्स स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. और वो जो ब्रांड्स थे वो कोई अच्छे ब्रांड्स नहीं थे ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन जो स्मॉल स्केल में जो इंस्टाग्राम पे बिजनेस करते हैं वो थे. तो एक जन ने मुझे अप्रोच किया, दे आस्क मी टू प्रमोट देयर आउटफिट, एंड आई वाज लाइक ये क्या होता है, ये सब क्या होता है, मुझे तो बस इतने पता है इंस्टाग्राम में आउटफिट डालते हैं, अच्छे फोटोज डालते हैं. तो बाद में दे आस्क मी कि हम आपसे एक
फोटो चाहते हैं और आप अपनी फीस बता दो. सो आई वाज लाइक, फीस ये क्या आता है? इंस्टा में तो सिर्फ फोटोज डालते हैं और इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं था. तो मैंने अपने मॉम डैड से डिस्कस किया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया. मुझे अब तक बात भी याद नहीं है, लेकिन जो भी हो कंक्लूजन ये था कि उन्होंने कहा कि 800 रुपीज देंगे, आपको फोटो डालनी है. तो मैं खुश हो गई, मैंने बोला ओके वाई नॉट. फिर उन्होंने मुझे एक ड्रेस भेजा और वो बहुत ब्यूटीफुल गाउन था, ब्लैक और वाइट कलर का था, बहुत एकदम बार्बी टाइप था. तो आई वॉज रियली हैप्पी, मैंने फ़ोटो भी डाला. फिर बाद में उन्होंने बोला कि आपको आउटफिट वापस लेना है, तो मैंने बोला ठीक है रिटर्न कर दूँगी. फिर बाद में मैं कूरियर करने गई तो वो ड्रेस इतना हैवी था, बिल आया 700 रुपीज़ का. क्योंकि वो ड्रेस इतना हैवी था कि 700 रुपीज आया और मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, सबको बता दिया कि मैं 800 रुपीज अर्न कर दूँ इंस्टाग्राम से, ये वो. और देखा तो 700 रुपीज का तो बिल ही आ गया. बहुत पॉपर्ट हुआ मेरा आई मीन इन शॉर्ट, लेकिन मैं बहुत हैप्पी थी. तो मेरा वो पहला इनकम था 100 रुपए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जस्ट मी टू थिंग्स. हाय हेरल, सो द क्वेश्चन इज, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? योर बिगेस्ट फियर? The fear of losing someone. Yeah. Now the second last question is from user pineapple. ये तो मेरा private account का नाम है. Hi user pineapple, how you manage with negative comments or some negative vibes that people send you? Ignore them completely or will that affect your personal life? So honestly, I feel मेरे इतने negative followers नहीं है, इतनी negativity नहीं है. या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे ज़्यादा positive लोग ही दिखते हैं, या जो लोग मुझे प्यार करते हैं मुझे वही दिखते हैं. और एक दो नेगेटिव कमेंट्स अगर मैं पढ़ भी लेती हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता. मुझे शायद पहले लगता था थोड़े महीनों पहले, लेकिन अभी लेटली मैं ऐसी हो गई हूँ कि कोई अगर मुझे बोलेगा कि तुझे बोलना नहीं आता तो मैं ऐसे रहती हूँ कि हाँ ठीक है चलेगा, मुझे बोलना नहीं आता, क्या करना है उसका. लेकिन डीप इनसाइड सीक्रेटली मैं उस पर काम करती हूँ, लेकिन दिल पर नहीं रहती. आई फील ये एटीट्यूड ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की है अपने काम पर ध्यान देने की, और मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ सबसे. मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ ठीक है मुझे ये नहीं आता, इट्स ओके, इट्स फाइन, सबको सब कुछ नहीं आता. और जो थोड़ा बहुत मुझे बुरा भी लगता है वो मुझे सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बुरा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी प्रिपेयर्ड भी हूँ कि मैं पब्लिक फिगर हूँ सोशल नेटवर्क साइट्स पर. तो ये थोड़ा बहुत आने वाला है, हर इंसान में हर चीज़ अच्छी नहीं होती, थोड़ी बहुत कमियाँ रहती है. सो यही फंडा है मेरा. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यतिन शर्मा .16. हाई यतिन, एंड द क्वेश्चन इज, कैन वी बी फ्रेंड्स? 3 उसूल है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये वीडियो शूट करने में. एंड या, आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. बाय.